चक्कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। क्रिस्त में मेरे माता पिताओं और भाई बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज 24 अगस्त है। आज माता कलिसिया संत प्रेरित बर्थोलोमियुस और बर्थोलोमियुस का दूसरा नाम नथानाएल का पर्व मनाती है। हम संत बर्थोलोमियुस या नथानाएल के बारे में पवित्र ग्रंथ में बहुत कम ही वर्णन पाते हैं। संत मती, संत मार्कुस, संत लूकस के सुसमाचार में यह बताया गया है कि संत बर्थोलोमियुस प्रभु यीशु ख्रिस्त के उन 12 चेलों में से एक हैं। केवल संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 3 में हमें यह बताते हैं कि वह गलीली के काना नगर के रहने वाले थे। आज बर्थोलोमियुस के पर्व के अवसर पर हमें योहन अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 पर मनचिंतन करने के लिए बुलाती है। हम देखते हैं कि प्रेरित फिलिप, जो स्वयं यीशु की खोज की उनके साथ रहा और उन्हें पूर्ण रूप से जानने के बाद में जब नथानाएल से मिलते हैं तो उन्हें यह कहते हुए बताते हैं कि हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने और भविष्य वक्ताओं ने लिखा है। वह है यीशु का पुत्र, नाजरेत का यीशु। तब जवाब में नथानाएल कहते हैं कि क्या कुछ अच्छी चीज नाजरेत से आ सकती है, क्योंकि नथानाएल को अच्छी तरह से नाजरेत के बारे में मालूम था। नाजरेत एक बहुत पिछड़ा गांव था जहां से हम किसी महान व्यक्ति के आने की कोई गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलिप नथानाएल के संदेह को दूर करते हुए कहते हैं कि वह स्वयं आकर देखे, जिस प्रकार स्तोत्र नंबर 34 पद संख्या 8 में कहते हैं कि चक्कर देखो कि ईश्वर कितना भला है। तत्पश्चात यीशु अपनी ओर नथानाएल को आते हुए देखकर कहते हैं कि यह एक सच्चा इसराइली है जिसमें कोई कपट नहीं है। तब यह सुनकर नथानाएल पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हैं। तब जवाब में यीशु कहते हैं कि फिलिप के बुलाने से पहले मैंने तुमको अंजीर पेड़ के नीचे देखा। तो सवाल उठता है कि यीशु के पास आने से पहले नथानाएल अंजीर के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, या अंजीर के पेड़ के नीचे होने का क्या अभिप्राय है। पुराने जमाने में इसराइल में और प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय भी अंजीर के पेड़ का महत्व बहुत था, क्योंकि अंजीर पेड़ की छाया ना केवल ज्ञान प्राप्ति की जगह थी बल्कि सत्य, शांति और न्याय की खोज करने की जगह भी थी। हम नबी जकरायाह के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में सुनते हैं कि हर व्यक्ति अपने अंजीर और अंगूर के बेल के नीचे अमन चैन से रहेगा। उसी तरह हम मीका के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 4 और राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 25 में भी पाते हैं। इसलिए यहूदी समाज में जो कोई गुरु बनने की दीक्षार्थी अंजीर पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते थे। शायद श्रद्धालु नथानाएल भी गुरु बनने की दौड़ में था और अंजीर पेड़ के नीचे बैठकर मनन ध्यान कर रहा था। और यहूदियों द्वारा वर्षों से प्रतिज्ञात मसीह के जल्दी आने के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी ओर आते देखकर कहते हैं कि यह सच्चा इसराइली है। और यीशु से वार्तालाप से नथानाएल को ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनके हृदय की चाह को जानते हैं, उनके मन की सोच को जानते हैं और वे यह भी जानते हैं कि वह अंजीर पेड़ के नीचे बैठ करके प्रतिज्ञात मसीह के बारे में सोच रहे थे। और नथानाएल यह भी जानते हैं कि इस मुलाकात के बाद ये प्रभु यीशु ही वह प्रतिज्ञात मसीह हैं जो इस संसार में आने वाले थे। इसलिए वह अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे रबी,
आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इसराइल के राजा हैं। इसके जवाब में प्रभु कहते हैं कि तुम इसलिए विश्वास कर रहे हो, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। मैं सच तुमसे कहता हूँ कि आगे तुम इससे भी बड़ी बातों को देखोगे। यूहन्ना अध्याय 1 और संख्या 50। क्रिस्त में विश्वासियों, आज जब हम संत बर्थोलेमयुस का पर्व मना रहे हैं, तो आज भी हम यह सुन सकते हैं कि यह ईश्वर का सच्ची अनुयायी है। हो सकता है हमारा हृदय संत बर्थोलेमयुस की तरह साफ ना भी हो, फिर भी हमें ज्ञात होना है कि हम सब पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और हम सब प्रतिदिन पूर्ण रूप से यीशु के सच्चे अनुयायी होने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बर्थोलेमयुस यीशु के द्वारा। तो सवाल उठता है कि आज ख्रिस्ती होने के नाते हमारा प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या हम पूर्ण रूप से विश्वास कर यीशु के पीछे चलते हैं? क्या हम डरे घबराए ख्रिस्त जीवन जीते हैं? ख्रिस्त में विश्वासियों, हमें ज्ञात होना है कि हम सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। आज यीशु सच्ची अनुयायी बनने के लिए गुलाहट प्रदान करते हैं और इस गुलाहट को विश्वास और भक्ति से स्वीकार करते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में इसे लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमें यीशु से दूर करने के लिए, यीशु से दूर भटकने के लिए निमंत्रण दिए। लेकिन हमें संत बर्थोलेमयुस की भांति सोच समझकर यीशु पर पूर्ण विश्वास रखकर जीवन भर जीवन के आखिरी सांस तक एक सच्चे अनुयायी बनना